हम किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहे हैं, फिर वो हाथ वाथ पकड़ने लग गए ऐसे कि ये करो वो करो। बाहर निकल के बताऊंगा क्या सीन हुआ यहाँ पे, बट वो मिल ही नहीं रहा पूरा सोसाइटी के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी ना सुबह सुबह ये भाई साहब है ना, ये मेरे को एक चीज दिखा रहा था। भाई ये क्या बोल रहा है? भाई ये मेरी सीरी है ना, ये सीरी, ये बड़ी बदतमीज है। गाइज कह रहा है ये सुबह से खुश होकर घूम रहा है, यू कह रहा है एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने ना मेरी स्टोरी देख ली। और ये देखो ये क्या स्टोरी देखी है, किसने देखी है, कौन है? कौन अकाउंट सस्ते एलविश यादव ने बिरयानी की स्टोरी देख ली। भाई साहब लिख दे तू, कमेंट कर दे वेरी सस्ता। इतनी तगड़ी प्राइवेसी लगा रखी है अकाउंट पे, कोई मैसेज भी नहीं कर सकता। गाइज ये देखो, लो भाई यहाँ पे ले, लिख दे बिग फैन भाई, पर अपना अकाउंट थोड़ा सा अच्छा बना लो। इसकी बदतमीजी देखो, इस भाई साहब ने क्या करा है, उस बंदे की वीडियो पे कमेंट कर दिया है वेरी सस्ता अकाउंट बिग फैन भाई। गाइज क्या हमारे नाम के भी ऐसे फेक अकाउंट बना करेंगे क्या? मेरे को तो बड़ी हंसी आती है, हम कई बार ना किसी भी ऐसे बंदे का अकाउंट देखते है ना, जो मतलब ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं अकाउंट्स पे, भाई प्लीज प्रमोशन ले लो भाई, हम आपके 1000 फॉलोवर्स करवा देंगे भाई, हम आपके 11000 करवा देंगे भाई, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो गाइज अभी ना हम लोग स्विमिंग करने आ गए थे, और आज ना हम थोड़ा जल्दी आ गए, हम इसलिए आ गए यहाँ पे जल्दी क्योंकि आज सैटरडे है, तो हमने सोचा कि आज बिरयानी की छुट्टी है थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। एंड हमने ना कुछ ज़्यादा अंदर शूट नहीं करा यार, फिर वही ब्लॉग्स में रिपीट चीज़ ज़्यादा दिखानी नहीं चाहिए, वैसे तो हमारा डेली का शेड्यूल यही है, बट फिर भी हमने जानबूझ के नहीं दिखाया। तो गाइज अभी बस हम चल रहे हैं वेरी जावर गुरु जी, ऊपर तो है ही नहीं भाई, वो कहाँ है, वो सो रहा होगा संन्यास में संडास तेरी तरह ईमान थोड़ी ना है भाई, संडास में होगा जो ये अभी कह रहे थे संडास में। एंड वेरी जावर मम्मी स्लीपिंग हियर। भाई अब सारे दिन आराम ही करते रहते हो क्या? सारे दिन आराम मत करा करो, एक्सरसाइज बॉडी नीड्स वर्क। आप हमारे साथ स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो। इतना काम करके चादर बिछाई, बर्तन धोया ही, कपड़े सुखा उतारे। मैं कह रहा हूँ आप हमारे साथ स्विमिंग ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया है। वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला जो ट्रीटमेंट के साथ साथ में स्विमिंग करती है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा आपका। है पापा सब कुछ, पापा को भी करवा दे, कल तो पापा के भी मन में थी। गाइस हमने ना पापा को नहीं बताया था कि हम लोग स्विमिंग करते हैं, तो कल है ना बैठे थे हम ऐसे ही, तो पापा को बता दी मैंने, पापा कह रहे अच्छा, मैंने पापा को वीडियो दिखा दी, पापा बी लाइक यार तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुछ कंसेशन करवा देता तुम्हारा। मैं बोला अब तो हो गई, एक महीने की फीस दे दी, अब एक महीने के बाद देखेंगे क्या कंसेशन करवाना है। शर्म ना हो, दोनों इतने नालायक हो, क्यों उन्हें बुलाऊं ना मैं बताऊं उसने, क्यों नहीं ना है किसी की हो, हमने क्या करा है, मंत्र से की गई थी क्या, मैंने कही थी ना अभी तक दो परांठे दे दे, अभी नहीं ओ भी तई मेरे तो सुना को नहीं ना कदे भी, फिर मेरा ध्यान आई वो तेरे पापा वाली बात, मेरे तो सुनता ही नहीं पापा, सही कर दे मेरी भी ना सुनता। तूने ओबी को खाने नहीं दिया, तू क्या करता है पूरे दिन घर पे टाइम पास, तू एक काम कर, इसको मम्मी हॉस्टल में इसका नाम लिखवा, इसको बाहर निकालो घर से, ये जब भी लाएगा। मैंने तेरे को बोला था तेरा ध्यान नहीं होता अभी, मैं जब उस कमरे में, तो जब इस कमरे में आई, जब मैं ये वहां पूल में भी, ये पूल में भी गुस्सा दिलवाता रहता, ट्रेनर को भी मेरे को भी, इसको कई बार कह दिया हमने, ये कर ये कर, ये फालतू की चीज करता रहे, कहीं और हो जाता होगा, अरे कुछ और करता रहेगा स्विमिंग पूल में, ऐसी फालतू की चीजें भैया, उल्टे लेट जाए, ये कर ले वो कर ले, वो तो बाद में कर ले, जब आ जाओ जब उल्टा सीधा किसी तरह लेट जाए, पता चले ना कितने ऐसे उल्टा लेट जाए वो, बढ़िया फिर ये बचाना ही पड़ेगा हमको। तो गाइस अभी ना मैं बिरयानी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं अपनी साइकिल लेके कहाँ पे निकल गया, मेरे को उसके साथ में ना एक बार मॉल में जाना है, और एक मार्केट का काम है वो भी करना है, बट वो मिल ही नहीं रहा पूरा सोसाइटी के अंदर, पता नहीं कहाँ पे है। तू कहाँ पे था ये बताइए मेरे को, सच बताइयो कहाँ पे था, एक बार कहाँ पे था तू, कहाँ खेल रहा था, सच बताइयो कहाँ खेल रहा था, अरे साइकिल से खेल रहा, कहाँ पे, ऐसे कहाँ पे, ऐसे फिर झूठ बोल रहा है, सही में मैं पूरी जगह ढूंढ के आया हूँ तेरे को, सही में पीछे, तेरे को पता है मैं कहाँ कहाँ पे ढूंढ के आया हूँ तेरे को, पकड़म पकड़ाई खेल, तेरी पकड़म पकड़ाई बना दूंगा मैं, सीरियसली तू था ही नहीं सोसाइटी के अंदर, नहीं सोसाइटी के अंदर आने दे मम्मी को, मैं कहूंगा मम्मी को, ऊपर जाके रास्ता है ना बैक साइड में, तू वहाँ पे क्या करने गए थे तू, अरे मतलब साइकिल से, मैं तो वहाँ पे भी ढूंढ के आया हूँ तेरे को, वहाँ पे भी नहीं मिला तू, जब मैंने तेरे को बोला था 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, पहले यहीं था उसके बाद में गयो इतनी देर, अरे तू रहने दे भाई, गर्वित से पूछ लेना, येरी ले लेना। अरे
गाइज एक चीज लेने आया तो इतना सारा सामान ले लिया एंड ना भी आपको बाहर निकल के बताऊंगा क्या सीन हुआ यहाँ पे। सिर्फ ना दो चीजें लेने आए थे, फिर मैंने सोचा कि ना घर का राशन पानी भी ले लेते हैं, दो दो थैले भर लिए। एंड गाइज अंदर ना सीन हो गया, सीन बताता हूँ अभी गाड़ी में पहुंच के बताता हूँ। तो गाइज अभी ना हम लोग ग्रिल हाउस आ गए और हमें ना हमें कोई भी बात डिस्कस करनी होती है ना, हम कुछ भी बात करते तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी ना मेरे को भाई से कुछ काम था तो हमने यहाँ पे आ गए थे। काम तो गया था एक्चुअली, वो स्पीकर लेके गए थे ना तो उसके ना कैफे में एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो कह रहे थे कि यार भाई हो नहीं रहा है तो इसलिए तू ले जाइए वापस, तो इसलिए मैं वापस लेने आया था वो। एंड दूसरा ना पता है मॉल के अंदर क्या सीन हुआ गाइस, हम ना जैसे वीडियो शूट कर रहे थे ना वहाँ पे, तो ये ब्रेन है ना अपनी हरकतें दिखाता रहता है, तो मैं ना ये टाइम ज़्यादा लगा देता है, तो जैसे ही हम कुछ सामान ले रहे थे ना तो टाइम ज़्यादा लगा रहा था, तो ऐसे जैसे कैमरा ओपन था तो सिक्योरिटी गार्ड आया, बोला वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं बोला भैया क्यों, हम किसी और की थोड़ी ना बना रहे हैं, मैं तो अपने भाई की बना रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया ऐसे यूट्यूब चैनल है और ये कह रहे ये सारे, मतलब वो थोड़ा उसका जो बिहेवियर था ना वो बिल्कुल अलग था। फिर वो उसने मेरे को बोला कि ये जो भी तुम करते ना चोचले बाजिया ये बाहर जाके करो। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ और मैं किसी और को हार्म थोड़ी ना पहुँचा रहा हूँ वीडियोज़ के थ्रू ऐसा कुछ भी, या मैं किसी और को दिखा रहा हूँ ऐसा भी कुछ नहीं था। बट वही है ना, वो अंकल रिएक्ट करने लग गए, फिर वो हाथ वाथ पकड़ने लग गए ऐसे। रेवाड़ी का सीन बता रहा हूँ, ये हम इतनी दूर दूर तक घूम के आते हैं। तो कुछ कहना चाहेगा अंकल के बारे में क्या? हाथ जोड़ तो बंद करो यार, वहाँ पर बैनर लगा दो, क्या बोलते हैं आप अंदर मॉल के अंदर वीडियो बना सकते हो, आपको कोई नहीं है भाई ये कर दे, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सुनना पड़ता है मेरे को बाहर जाके ना। आपको भी एतराज है क्या हम आपके कैफे पे आपकी वीडियो बनाए? अभी पता है क्या हुआ, रिलायंस में हमारा कैमरा बंद करवा दिया, बोला अच्छा। बाहर निकल। अच्छा जी। तो गाइस ये स्पीकर्स थे, ये भाई लेके गया था ना बताया था मैंने, तो अरे रुक मैं खोल रहा हूँ भाई, रुक 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 भाई प्यार से भाई गाड़ी पे पैर वैर मत लगाओ यार भाई, ये एक एक ही तो बंदी है मेरी। अब कूची कूची नीचे नीचे घूम के आई थी ना तू, भी घूम के नहीं आई कूची कूची कू। गाइस आज भी बस ऐसे ही हम घर पे ही रहे पूरे दिन, कहीं बाहर गए नहीं, बाहर गए थोड़ी देर के लिए और वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने थोड़ा सा कर दिया हमें तिया पाचा करके सुना दिया। बट कोई नहीं, लाइफ के अंदर सबकी सुननी चाहिए, जो जैसे बोल रहा है वो बातें माननी चाहिए। तो गाइस अभी ना हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना और बाकी की वीडियोज के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स। राधे राधे। तो कुछ कहना चाहेगा अंकल के बारे में? इसलिए मैंने यही वाला डायलॉग नहीं मारा, ठीक है। फिर मेरे को पहले मैं सोच रहा था यही सेम डायलॉग मारूं है ना, फिर मेरे को लगा यार इसमें तो धंधे वाला डर है, फिर ये नहीं मारना, धंधा नहीं अच्छा काम था वो।